गोवा पहुंच गए। अभी दो मिनट डालो मैं भी घंटा नहीं दूँ जी। हाँ वो गाड़ी से निकले ना जैसे कंधा मिला करके जो है वो इस पूरे जो त्यौहार उन्होंने गणेश चतुर्थी का वो मनाया हुआ। और आप इसे देख सकते हैं तस्वीरों में जब वो रूबी खान और उनके जो पति हैं आसिफ खान, अब लोग ये दोनों लोग जो है हाथ में हाथ डाल करके अपनी गणेश प्रतिमा का विसर्जन जो है अब वो कर रहे हैं। हालांकि रूबी खान से जब खबर में एबीपी न्यूज ने बात किया तो उन्होंने गणेश प्रतिमा को जो है यहाँ पर विसर्जन कर दिया है। रवीश पांडे के साथ ये मैं ऐसे कट्टरपंथियों को जवाब देना चाहती थी, वो उन्हें मिल चुका। आज मैंने विसर्जन भी किया और स्थापित भी की। 7 दिन पहले आज से मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की अपने घर पर और इसी तरह पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की जो होनी चाहिए। लेकिन कुछ कट्टरपंथी जो मुसलमान हैं उन्हें ये रास नहीं आया, उन्होंने फतवेदारी जारी कर दी है मेरे ऊपर कि ये हिंदू बन चुकी है, मुसलमान नहीं है, इसको मुसलमान होने का कोई अधिकार नहीं है, इसे निकालो, ये हिंदुओं में जाकर रहे। इस तरह की बातें बहुत सी उन्होंने चालू कर दी। लेकिन आज से 2 साल पहले मैंने भगवान श्री राम का मंदिर भी अपने घर में स्थापित किया था। जब भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की थी प्रधानमंत्री जी ने, उसी टाइम मैंने भी की थी वहाँ पर जब भगवान श्री राम का मंदिर बना था, तो उस टाइम पर भी मेरे लिए पोस्टर लगवाए गए थे बड़े बड़े, पूजा करते हुए मेरे पोस्टर छपवाए थे उन्होंने। इस्लाम से खारिज किया था आज से 2 साल पहले भी, इसी तरह फतवेदारी पहले भी इन्होंने जारी करी थी। लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मुझे डराया और धमकाया बहुत जाता है।